राइट एंड ही वॉज अ वेरी सेल्फिश पर्सन यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था ही हैड अ ब्यूटिफुल गार्डन वेरी ब्यूटिफुल गार्डन बट ही ऑलवेज फेल्ट कि वो गार्डन सिर्फ मेरा है तो मेरे लिए ही बना है नो बडी इज अलाउड टू एंटर इन इट तो इसका ऐसा माना था इस जॉयट का कि जो भी चीज़ इसकी है वो इसकी है नो बडी कैन यूज इट नो बडी कैन एंटर एट द प्लेस जहां पे भी ये बिलोंग करते हैं एंड दिस इज हाउ ही वॉज अ वेरी सेल्फिश पर्सन Now what happens at the end? क्या होता है? You know this selfish person is ever going to change into a selfless person? क्या you know ये giant जिस तरीके से दिखता है डरावना सा, then बहुत ज़्यादा harsh है, cruel है, would he be changing into a nice person later in the story? What would make him to change? And also because of being selfish, उसकी वजह से क्या-क्या consequences हैं जो से bear करने पड़ेंगे? क्या-क्या चीजें हैं जो इसके साथ होगी?

First half of the story clear, all right. सो द ऑथर दैट इज ऑस्कर फिंगल ऑफ लेहरतीडे जिनको शॉर्ट में कहा जाता है ऑस्कर विलडे वॉज बॉर्न ऑन सिक्सटीथ अक्टूबर एटीन फिफ्टी फोर एंड लेफ्ट वर्ल्ड ऑन थर्टी एथ नोवर नाइनटीन हंड्रेड वॉज एन आयरिश पोइट एंड प्ले राइट ही वॉज अ पोएट जो कि एक आयरिश पोएट थे एंड ऑल्सो ही वॉज अ प्ले राइट बहुत प्लेज लिखे हैं इन्होंने एंड येस दे आर डेफिनेटली वेरी फेमस आफ्टर राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट द एटीन एटीज द अर्ली एटीन नाइनटीज सॉ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स इन लंडन तो ये अपनी राइटिंग्स लिखते गए एटीन एटीज में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स इन्होंने ट्राई की बट यस नाइनटीज के जो शुरुआती महीने थे शुरुआती साल थे तब ये बहुत ज्यादा वेल नोन प्ले राइट बन गए कहां पर लंडन में इनके प्लेस बहुत ज्यादा फेमस होने लगे नो वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर इन द चैप्टर सो सेल्फिश जायंट इज अ स्टोरी ऑफ अ अ अ यंग बॉय हु मैसेंजर ऑफ गॉड एंड सेल्फिश जायंट तो यहाँ हम दो लोगों की बात करेंगे नंबर वन जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है द सेल्फिश जायंट नंबर छोटे बच्चे के बारे में भी देखने वाले हैं यंग बॉय हु अ मैसेंजर ऑफ गॉड जो कि एक भगवान ने भेजा हो किसी रूप को स्वरूप को उस तरीके से देखने वाले हैं इस स्टोरी में क्लियर तो हमें समझ आ गया है, दो लोगों की बात हो रही है कैसे सेल्फिश है क्या होगा क्या नहीं वो तो हम चैप्टर में ही देखेंगे डन ऑल राइट सो वी आर गोइंग टू सी द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर तो इसमें आपको कुछ पॉइंटर्स हैं जो पहले ही बता दिए कि जो स्टोरी का फर्स्ट हाफ है वो क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला है नंबर वन इज द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट तो ये जो जायंट है इसके पास एक बहुत ब्यूटिफुल सा गार्डन था बहुत ही अच्छा सा बगीचा था बगीचा था और वो इतना ब्यूटिफुल था कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे खेलना बट येस ही नेवर लाइक डिट The giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. garden beautiful से में कोई खेलने ना आए कोई बच्चा ना आए तो उसने क्या किया चारों तरफ बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी बहुत बड़ी wall बनवा दी क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो कहाँ से आएंगे रहे? तो इसीलिए उसने बहुत बड़ी सी wall बनवा दी ताकि कोई भी enter ना कर पाए

सो एवरी आफ्टरनून एज दे व कमिंग फ्राम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जान्ट्स गार्डन तो हर दोपहर में एवरी आफ्टरनून जैसे ही बच्चे अपने स्कूल से वापस आते थे वो लोग क्या करते थे वो इस गार्डन में जाते थे ये जो जायंट का गार्डन था और वहाँ पर खेलते थे बिकॉज दिस गार्डन वॉज वेरी ब्यूटिफुल और बच्चों को ऐसा गार्डन बहुत अच्छा लगता था तो इसी लिए वो लोग यहाँ पर ज़रूर जाते थे एवरी डे विदाउट फेल ताकि वो वहाँ पर थोड़ा खेल पाएँ इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास और बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन था बहुत सॉफ्ट सी ग्रीन सी ग्रास थी वहां पर हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास टू ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देर वीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलीकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड इन दोर रिच फ्रूट अब यहाँ पर ये गार्डन की जो ब्यूटी है वो सिग्निफाई की गई है कि इतना ब्यूटिफुल था कि हर जगह ग्रास पे ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल

हाउ हैप्पी वी आर हेयर क्राइड टू ईच अदर और बच्चे एक दूसरे से बोलते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं यानी इस गार्डन में हम कितने खुश हैं वन डे द जायंट केम बैक बट एक दिन क्या होता है जायंट जिसका ये गार्डन था वो वापस आ जाता है He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for seven years. तो जायंट कहीं गया हुआ था क्या यस yes, वो सात सालों से अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था जिसका नाम है कॉर्निश ऑगरे अब ये समझ लेते हैं कॉर्निश और ऑगरे का मतलब क्या है सो टूगेदर कॉर्निश ऑगरे मीन्स अ जायंट ऑफ कॉर्न वॉल दैट इज इन दूके यूके में कॉर्न वॉल है वहां का एक कोई जायंट ही है इनका फ्रेंड जिसका नाम बोला है कॉर्निश ऑगरे और ऑगरे का स्पेसिफिकली मतलब है इन लीजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज अक्रूवल जाइंट हु ईट्स पीपल इन कॉमन यूसेज अ वेरी फ्राइटनिंग पर्सन तो ऑगरे जो है वो पहले की जो बहुत फैंटेसी uh, वाली स्टोरीज होती थी फेरी टेल्स होती थी उसमें ऐसा राक्षस ऐसा जाइंट जो लोगों को खा जाता था या बहुत डरावना होता था उसे कहते थे सो ओवरऑल जायंट जो है वो अपने दोस्त कॉनिश ऑगरे के पास सात साल से रहने गए हुए थे ही विजिटेड हिस् प्लेस एंड ही वॉर स्टेइंग देयर विथ हिम फॉर सेवन डे सेवन ईयर्स सॉरी एंड दिस पर्सन वॉज इन वेरी फ्राइटनिंग दैट्स इट वी शुड नो

एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट और ये किसी को भी समझ आ जाएगा कि भाई ये मेरा गार्डन है तो आई विल नॉट अलाउ एनी बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ तो सिर्फ इस गार्डन में मैं ही खेलकूद कर सकता हूँ और कोई यहाँ एंटर नहीं करेगा

trespass और prosecuted मतलब उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा tried in a court of law hair punished तो वो जायंट जो है वो यहाँ बोर्ड लगा देता है जिस वो लिख देता है trespassers will be prosecuted कि अगर कोई भी एंटर करेगा तो उसको बहुत पनिशमेंट दी जाएगी या फिर उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा क्लियर ऑलराइट ही वाज अ वेरी सेल्फिश जायंट सो indeed he was a very selfish and he was a giant that's it he was a selfish giant

हाउ हैप्पी वी विद देर दे सेट टू ईच अदर तो वो बोलते हैं अपन कितने खुश थे वहाँ पर पहले उन्होंने क्या बोला था हाउ हैप्पी वी आर हेर हम कितने खुश हैं यहाँ पे जब वो खेल रहे थे गार्डन में नेक्स्ट सिचुएशन जब कैसे टर्न हुई वो अब वहाँ बाहर खड़े हैं और वो ये बोल रहे हैं एक दूसरे से कि हम यहाँ पे कितने खुश हुआ करते थे

ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल सिर्फ और सिर्फ जो सेल्फिश जॉय का गार्डन था वहां पर ही विंटर सीजन था स्नो थी विंटर था विंटर में क्या होता है ट्रीज पे ब्लॉसम्स नहीं होते बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं you know? सूख जाते हैं बर्ड्स जॉप नहीं करती हैं ज्यादा तो बहुत शांति हो जाती है सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन या सैडनेस जैसा फील आता है बट स्प्रिंग सीजन इज ऑल अबाउ है पूरी कंट्री में पूरी प्लेस पे स्प्रिंग सीजन आ गया था बट Yes, उसके गार्डन में इट स्टिल विंटर, बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एस देर वर नो चिल्ड्रेन एंड द्रीज फॉर गॉड टू ब्लॉसम एंड बर्ड्स वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू सिंग देर ऑब्वियसली विंटर सीजन है वहां पर तो उस गार्डन में जाके वो गाना क्यों गाएंगे एज देर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉर गॉड टू ब्लॉसम और क्योंकि वहाँ बच्चे भी नहीं थे इसीलिए ट्रीज फॉर गॉड टू ब्लॉसम यानी कि अगर वहाँ बच्चे होते वहाँ खुशियां होती तो वहां पर फ्लावर्स भी आते बट बिकॉज वहां पर खुशियां नहीं थी बच्चे नहीं थे इनोसेंस नहीं थी इस वजह से सैडनेस थी डिप्रेशन था तो ट्रीज भी ब्लॉसम नहीं करे थे यानी फ्लावर्स नहीं आए थे क्लियर ऑल राइट

दो लोग थे जो बड़े खुश थे अब यहां पे फ्लावर्स ट्रीज देन तो ये जो विंटर स्प्रिंग इन सबको कैरेक्टर्स की तरह यूज किया गया है ठीक है इसीलिए अब वो बातचीत भी करेंगे वो शॉर्ट ऑफ उनके इमोशंस भी हम देखेंगे तो दो लोग थे जो बहुत खुश थे ये सब कुछ देखकर और वो थी बर्फ स्नो फॉल एंड फ्रॉस्ट जो बिल्कुल जम जाता है ना बिल्कुल बर्फ जम जाती है हर जगह तो ये दोनों बड़े खुश थे स्नो और फ्रॉस्ट स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन देक राइट सो वी विल ऑल रियर राउंड अब जब स्प्रिंग सीजन आता है तो इनको भागना पड़ता है विंटर को भागना पड़ता है राइट तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई स्प्रिंग है वो तो भूल गया इस गार्डन में आना पूरी जगह पे आ गया है बट अपने गार्डन में तो वो भूल गया है आना तो हम जो है अब यहाँ लाइफ टाइम या पूरे साल भर यहाँ पे रह सकते हैं तो स्नो ऑफ रॉस बहुत खुश हो गए कि भाई अब यहाँ स्प्रिंग नहीं आएगा हमको जाना नहीं पड़ेगा अभी हमारी जगह है अब हम यहाँ हमेशा रहेंगे एटलीस्ट पौधा इंटर The snow covered up the grass with a great white cloak, and the frost painted all the trees. सिल्वर तो यहाँ पे जो स्नो है उसने क्या किया उसने पूरे ग्रास को कवर कर लिया पूरी बर्फ ही बर्फ हो गई पूरी ग्रास पे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो जो है उसने जो कलर का का बाहर जैकेट टाइप पहना हुआ है उसका जो कपड़े हैं वो स्नो है के तो उसने उससे कवर कर दिया पूरी ग्रास को और जो फ्रॉस्ट है उसने क्या किया इट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर और वो पूरी ट्रीज पे जो है फ्रॉस्ट ही फ्रॉस हो गया तो ऐसा लग रहा था कि पूरी ट्रीज जो है वो सिल्वर कलर में पेंट कर दी गई हो यानी स्नो और फ्रॉस्ट पूरी तरीके से सेल्फिश जायंट के गार्डन में हो गए Then they invited the North Wind to stay with them, and he came. और इन दोनों ने क्या किया फिर North Wind को बुलाया अब North Wind क्या है North Wind बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है जब भी North Wind आती है तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो एक और इनका साथीदार हो गया जो ठंड को और बढ़ा देता तो उन्होंने इसको भी इन्वाइट किया किसने सोए फ्रॉस्ट ने कि भाई नॉर्थ विंड तुम भी यहाँ आ जाओ और वो आ भी गई ही वॉज रैम्प इन फर्ज एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट डाउन विंड इज अ मेल हेयर तो वो आया

नॉर्थ विंड बोलता है ये तो बड़ी खुशी की बात है क्या मस्त सीन लग रहा है मजा आ रहा है यहाँ पे चलो हेल को भी बुला लेते हैं यानी ओले जो होते हैं उनको भी बुला लेते हैं सो द हेल केम अब हेल भी आ गई यानी जो ओले हैं वो भी आ गए इसका मतलब पूरी तरीके से सेल्फिश जायंट का जो गार्डन है वो सैडनेस साइलेंस डिप्रेशन से कवर होता जा रहा है Every day for three hours he he rattled on the 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 roof of of castle till he broke most of the slates एवरी डे फॉर round आवर्स ही रैटल ऑन as रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द थे वो बिल्कुल बढ़िया गिर रहे हैं और वो आया और वो क्या कर रहा था पूरा तीन से चार घंटे के लिए it used to rattle. अब ओले गिरते हैं तो बहुत जोर जोर से आवाज आती right? Specifically अगर वो roof पे गिर रहा हो तो और जोर जोर से आवाज आती है तो it used to rattle on the roof of the castle जब तक की वो सारे जो slates है वो तोड़ ना दे Slates क्या है इस तरीके की कुछ जो roofing होती है

स्नो फ्रॉस्ट नॉर्थ विंड सबके बारे में बताया ना वैसे ही ये जो हेल है इट वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे वो ग्रेश टाइप का दिखता है बाहर से ग्रे कलर के कपड़े पहने उसने एंड ब्रेथ वॉज लाइक आइस और उसकी जो ब्रेथ है वो ऐसी थी बर्फ जैसी यानी इतनी ठंडी थी उसकी ब्रेथ I cannot understand why the spring is so late in coming," said the selfish giant. अब selfish giant जो है जब वो देख रहा है कि भाई अभी तक spring season क्यों नहीं आया? It is the time of the year जब तक spring season को आ जाना चाहिए था. So he was wondering कि spring season अभी तक क्यों नहीं आया है? As he sat at the window and looked out at his कोल्ड वाइट गार्डन और ये कब वो सोच रहा था जब वो विंडो पे बैठा है अपने घर के और वो बाहर अपने गार्डन को देख रहा है जो कि पूरी तरीके से ठंडा है हर जगह ठंड ही ठंड है और वाइट कलर का हो गया है गार्डन बिकॉज हर जगह स्नो फ्रॉस्ट हेल नॉर्थ विंड यही सब है तो वो जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज था शॉक था कि भाई अभी तक स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया है आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर फिर वो विश कर रहा थाड दोप्स की काश अब यू नो वेदर में थोड़ा बहुत चेंज देखने को उसको मिल जाए काश सारी चीजें नॉर्मल हो जाए काश विंटर सीजन चला जाए और स्प्रिंग सीजन आ जाए डन ऑल राइट बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर बट कभी स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन की बारी आई तो वो भी नहीं आया यानी अभी तक पूरा साल भर तक सिर्फ विंटर सीजन स्नो हेल फ्रॉस्ट नॉर्थ विंड यही पार्ट बने हुए थे इसके गार्डन के द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द दाइंट गार्डन शी गेव नन अब जैसे ही ऑटम सीजन आता क्या बताया था इसमें कि प्लम ट्रीज में फ्रूट्स आ जाते रहे तो ऑटम सीजन भी आ गया और हर एक गार्डन में जहां पे भी गार्डन थे हर जगह गोल्डन फ्रूट दिया उसने हर जगह फ्रूट्स आ गए फल आ गए बट इसके गार्डन में अभी भी फ्रूट्स नहीं आए थे

तो इसीलिए हम वहां नहीं जाएंगे और इसका वजह से क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या निकला कि पूरा टाइम इट वॉज ऑलवेज विंटर देर हमेशा वहां पर विंटर सीजन रहा जिसकी वजह से नॉर्थ विंड और हेल और फ्रॉस्ट और और स्नो अब इनके बारे में एक लाइन दी है लेट्स रीड दैट ऑल हैव बीन प्रेजेंटेड कैरेक्टर्स नॉर्थ विंड इज द दिल विंड एंड हेल इज द हेल तो पे नॉर्थ विंड वही बताया मैंने बहुत ठंडी हवा होती है हेल स्टोन क्या है भाई ये ओले हैं और स्नो और फ्रॉस्ट हम सब जानते हैं नहीं बर्फ गिर रही है तो यही सब जो है वहां पर डांस कर रहे थे पूरे साल भर

But it was so long since he had heard हर्ड अ बर्ड in इन garden गार्डन दैट seemed सीम टू to टू बी द मोस्ट music म्यूजिक इन world. बट yes, वो इतने टाइम से उसने बर्ड्स की आवाज़ नहीं सुनी थी उनका गाना नहीं सुना था उनकी चौपिंग नहीं सुनी थी कि उसके लिए ये वॉइस जो थी ये जो स्वीट सी सॉन्ग की आवाज आ रही थी लेनेट के मुँह से वो उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल सबसे मेलोडियस वॉइस थी या सॉन्ग था क्लियर तो इस तरीके से अभी तक उसने सॉन्ग्स की सॉरी बर्ड्स की आवाज तक नहीं सुनी थी इतना सब नाराज थे इससे बिकॉज इसने क्या किया ये सेल्फिश और इसने बच्चों को एंटर नहीं होने दिया अपने गार्डन में क्लियर ऑल राइट Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. But ये song जैसे ही सुनाई दिया उसको bird का तो क्या हुआ इससे ना slates के ऊपर वो बंद हो गए hail dance करना बंद कर दिया north wind ceased roaring north wind पूरा time चिल्लाता रहता था ना हर वक्त बहता रहता था हवा चलती रहती थी उसने भी आवाज करना बंद कर दिया और एक बहुत ही tasty सी बहुत ही अच्छी सी smell आ रही थी बाहर से through open casement. Casement क्या होता है विंडो दैट ओपन ऑन डोर जैसे कि डोर नहीं खुलते हैं वैसे ही ये हैं 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 जो open होते हैं, इनको कहते हैं casement. तो इस विंडो में से स्मेल आ रही थी बहुत अच्छी सी perfume की किसको इस जायंट को उट ऑफ बेड एंड लुकड आउट और इतनी अच्छी खुशबू आज स्प्रिंग सीजन में आती है तो वैसे ही इसको क्या लगा इस जॉय को कि शायद अब स्प्रिंग फाइनली एंटर हो चुका है मेरे गार्डन में और इसके मारे इतनी खुशी के मारे अपने बेट से उतरा एंड ही आउट ऑफ द विंड

यू नो एक्शन लूंगा और इस वजह से बच्चे बड़े यू नो सैड हो गए बिकॉज वो खेल नहीं पा रहे थे वहां एंटर नहीं कर पा रहे थे एंड दे लेफ्ट अब ये देखकर स्प्रिंग समर देन जो भी ट्रीज थे फ्लावर्स थे फ्रूट्स थे एवरीथिंग ऑटम सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि कितना सेल्फिश है तो हम वहां एंटर ही नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ देम बिकेम वेरी सैड एंड एंग्री एंड दे फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द चिल्ड्रन कि जहां बच्चे नहीं हैं जहां पे खुशियां नहीं हैं हम वहां पर एंटर नहीं करेंगे और इसीलिए पूरे साल भर जो है इस सेल्फिश के इस सेल्फिश जायंट के गार्डन में विंटर ही रहा जो स्नो है फ्रॉस्ट है बहुत खुश हो गए उन्होंने कंप्लीटली कवर कर लिया इस गार्डन को उन्होंने नॉर्थ विंड को दिया वो भी आ गया उसको भी बड़ा अच्छा लगा वो भी यहाँ पे पूरी टाइम रोर करता रहा देन इन लोगों ने हेल को भी इन्विटेशन दिया हेल स्टोन भी आ गए ओले की बारिश हो रही है बढ़िया इस तरीके से कोई भी फ्लावर्स फ्रूट्स बर्ड्स कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है इस गार्डन में

वॉज अ वर्ड दैट वॉज सिंगिंग बट जब वो बाहर उठ के यूनोज को लगता है कि चलो ठीक है ये म्यूजिशियंस की आवाज होगी बट एकदम से क्या होता है इस वजह से भाई कुछ क्या हुआ कैसे हुआ वो हम देखेंगे इन द लेटर हाफ बट येस इसकी वजह से बहुत अच्छी उसको एक खुशबू आती है बाहर से हेल स्टोन्स जो है वो बंद कर देते हैं डांस करना देन नॉर्थ विंड की रोरिंग स्टॉप हो जाती है एंड देन अ अवटिफुल परफ्यूम स्वीट स्मेल आती है इसको फ्रॉम द केसमेंट एंड ही फील्स की स्प्रिंग सीजन फाइनली आ गया है उसके गार्डन में एंड ही वो सो हैप्पी एंड विद जॉय ही जम्पड आउट ऑफ हज बेड और वो बाहर देखने की कोशिश करते हैं अब एग्जैक्टली exactly उनको विंडो के बाहर क्या दिखता है किस चीज़ की वो स्मेल है क्यों सब बंद हो गए हेल स्टोन एंड डांस करना हर एक चीज का आंसर जो है हमको मिलेगा इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वी आर टू डिस्कस इन टेक ऑफ ये नोट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाइ